नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने जब 8 तारीख को नोटबंदी की थी और उसके बाद गोवा के अंदर जो मीटिंग किया था, और गोवा के अंदर मीटिंग करने के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि आपके जो है 50 दिन के अंदर अच्छे दिन आ जाएंगे, और रोते हुए ये कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर अच्छे दिन नहीं आते हैं तो मुझे भारत के किसी भी चौरस्ते में आप बोलेंगे खड़ा कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा। मोदी जी ने ये वादा पूरी भारत की जनता के सामने किया था। आज 47 डे हो गया है, 48 डे हो गया है, 50 दिन में 2 दिन बाकी है। अभी तक तो कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के अच्छे दिन आए नहीं है। तो मोदी जी पहले ये बताइए कि अब भारत की जनता ये चाहती है कि अब आप कहां पर खड़े होने वाले हैं, किस चौरस्ते में खड़े होने वाले हैं, और किस भारत के किस किस चौरस्ते में आप खड़े होकर अपनी जो है बात रखेंगे। लोगों ने तो आपसे इस्तीफा देने तक की बात कह दी है ताकि आपकी इज्जत मान सम्मान गरिमा बची रहे। और दूसरी चीज़ यह है कि मोदी जी आपने ये कहा था कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, परंतु मोदी जी संसद में आप लोगों ने ही हंगामा कर रखा है। संसद और राज्यसभा में आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, परंतु क्या होता है आप पहुँचते नहीं है और मैदानी सभा में बोलते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है इसलिए मैं मैदानी सभा में बोल रहा हूँ। पर मोदी जी आपने क्या किया कि जेटली जी और आपकी बातों में अंतर है। जेटली जी ये बात बोल रहे हैं कि ना कैशलेस की बात होगी संसद में, ना राज्यसभा में, ना ही नोटबंदी पर बात होगी ये बात, और ना ही मोदी संसद में आएंगे और ना बोलेंगे। ये आप ही के जो मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली जी ने ये कहा था, और आप बोल रहे हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। आप दोनों के एक ही पार्टी के होने के साथ साथ आप लोगों के जो विचार है वो जमीन आसमान एक तरह है। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये बात नक्की अभी तक नहीं किया आपने। दूसरी चीज़ ये है कि जब कांग्रेस राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है, जब वो नोटबंदी के ऊपर बोल रहे हैं, कैशलेस पर बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, और जो आपने भ्रष्टाचार किया है अदानी अंबानी, उसके बाद आपके सहारा ग्रुप और बिरला ग्रुप के साथ जो आपने घूस ली है, उसके विषय में आप कोई भी तरीके का किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कारण क्यों? कारण यह है कि ये बात सत्य है, कहीं ना कहीं ये बात आप झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये बात लिखित में भी सामने आ गई है। विपक्ष ने आपका इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप उस जवाब से भागने के लिए ही संसद में और विपक्ष में नहीं बैठना चाहते हैं। और मोदी जी आपने ये कहा था कि कई तरह का वादा आपने किया था जो कि अभी तक फ्लॉप होता आया है। 160-170 आदमी के आसपास, 160 या 170 के आसपास लोग आपके नोटबंदी और के चलते मारे गए, बैंक की लाइनों में मारे गए, जिसका आपको कोई अफसोस नहीं है। और आप बोल रहे हैं मोदी जी कि नोटबंदी से और कैशलेस से भारत में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी आपको बताना चाहूँगा कि आतंकवाद दो तरह का होता है, एक जो पाकिस्तान जो इंडिया में आकर आतंकवाद करता है वो जो है आतंकवाद, दूसरा जो यहाँ पर नशलाइट खत्म हो जाएगा, जो आप बोल रहे हैं बार बार लोगों को झूठा और खराब आश्वासन दे रहे हैं, दूसरा आतंकवाद वो है जो भारत की जनता है, जनता में ही भारत में ही रहते हैं, नशलाइट जिसको कहते हैं, एनसीसी बोलते हैं, वो लोग जो आतंक फैलाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी जो पाकिस्तान से आतंकवाद करते हैं उनका उद्देश्य भारत में रुपया से नहीं है, नोट से नहीं है, आपके नोटबंदी से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कारण है उसका द्वेष है, गुस्सा है भारत के प्रति, इसलिए वो भारत में आके इतना उपद्रव कर रहे हैं। दूसरा आतंकवाद जो आप ये है नशलाइट है जिसको आप बोल रहे हैं बंद हो जाएगा, तो उनका एक उद्देश्य है, उनका एक मिशन है, उनका मिशन आपके रुपये से नहीं है। उनका ये जो मिशन है वो ये है कि आप जो नोटबंदी करेंगे, मिशन रुपया लूटना है लोगों से रुपया लेना है, घूस के रूप में लेना हो, धमका डरा के लेना हो, डकैती मार के लेना हो, या चोरी करके लेना हो, या किसी भी प्रकार से लेना हो। जिस बड़े बड़े उद्योगपतियों से वो रुपया लेते हैं, नशलाइट आप जानते हैं अच्छी तरह से, नेताओं से लेते हैं, आप जो किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री बनाते हैं, या कोयला खान होता है वहाँ से वो नशलाइट जो होते हैं जो ओनर होता है उससे पैसा लेते हैं, दलाली लेते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। पैसा उनका काम उद्देश्य जो है, नोटबंदी का इफेक्ट उनके ऊपर भी नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज़ आपने कहा था नकली करेंसी जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन नोटबंदी के बाद कम से कम करोड़ों की संख्या में 2000 के नोट, जो चूरन वाले नोट है, जो आपके चूरन वाले नोट 2000 और 500 के नोट, 2000 के नोट ही नकली बाजार में आ गए हैं, जिसको आपको अच्छी तरह पता है, उसका रंग भी छूट रहा है और नकली नोट भी आ गए हैं। दूसरी चीज मोदी जी आपने ये कहा था अभी लास्ट में कि 50 दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे,
आप अपनी हर बात पर बार बार पलटी मार रहे हैं। 160-170 बार जो है आप नोटबंदी और कैशलेस पर जो है इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जो सांसद होता है, आप अपनी मैदानी सभा के अंदर आप अपनी बात तो रख देते हैं, मगर आप सुनना नहीं चाहते। संसद जो है आप चलना नहीं देते, राज्यसभा आप चलने नहीं दिया जाता, आप जवाब नहीं देना चाहते ना चलने देते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप उल्टा ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपने तो सपा सपा कह दिया कि जो 70 साल में जो भी काम हुआ है वो भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों ने चोरी चमारी की है, ये आपने खुला खुली बोला है। परंतु मोदी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि 6 साल की गवर्नमेंट आपकी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे प्रधानमंत्री जो 6 साल तक थे, और आपके 2 साल 8 महीना हो गया। अभी तक आपने क्या किया आपको अंदाजा है? 2 साल 8 महीने में जब आप कोई काम कर ही नहीं सके, महंगाई उल्टी दिन प्रतिदिन बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम जो घटना चाहिए वो नहीं घटा, डीजल का दाम जो घटना चाहिए वो नहीं घटा, लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो खाने पीने की चीज़ है वो अपनी चरम सीमा से कई गुना ऊपर बढ़ गई है। 2 साल 8 महीने में आटा दाल चावल कितना बढ़ गया है, ये आप अभी तक घटा नहीं सके। आप अपने वादे पर नहीं रह सके, 370 धारा नहीं हटा सके, राम जन्मभूमि के जिस राम जी के चलते आपने अपना मुद्दा बना के जिसको सीढ़ी बनाई थी आज उसको आप भूल गए हैं। आपने जो वन माने जो कानून जो होता है सबके लिए एक समान होना चाहिए वो कानून आप भूल गए। आपने कम से कम ये भी कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो टैक्स भी ख़त्म कर दूँगा, वो आप भूल गए। मतलब आपने जितने भी वादे किए अभी तक चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना चाहिए, वो अगर हमारे सैनिकों के एक सर काटता है तो हम उसके 4 सर काटा है तो हम उसके 40 सर काट के लेके आएंगे। जब ये बात सैनिकों ने उरी में हमारे जवानों को मार गिराया था जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, तो आपने क्या कहा आपको याद है? आपने कहा लड़ना है तो प्रोग्रेस से लड़िए, मतलब भारत में जो गरीबी से लड़िए, और लड़ना है तो आप उन्नति के शिखर तक जाके लड़िए। मैंने आपने बात ही घुमा दी, सर काट कर लाने की बात तो दूर की बात रही, आपने बात सारी घुमा कर लोगों को भ्रमित कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री आ गए आपके करनी और कतनी में जमीन आसमान का अंतर आ गया। ये जनता की आवाज़ आप सुनते नहीं है, सिर्फ आप अपनी मैदानी सभा के अंदर आप अपनी ही आवाज़ खाली बुलंद करते रहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हाँ और ना करवाते रहते हैं। जनता में आप जिस तरीके से जनता से आप बुलवाते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं, ये सब तो जनता हाँ में हाँ ना में ना बोलती है, लेकिन जनता को समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं, कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आने वाले टाइम में। आज 47 डे हो चुका है मोदी जी, 3 दिन बचा है भाई, 3 दिन 50 दिन में अगर अच्छे दिन आ गए तो ठीक है, पेट्रोल के दाम गिर गए, महंगाई गिर गई 3 दिन में तो अच्छा है, अन्यथा आप बता सकते हैं मोदी जी कि जो आपने वादा किया है कि 50 दिन बाद हमें किसी भी चौरस्ते में खड़ा होकर कोई भी सजा देनी हो तो दे देना, तो ये आप अब डिसाइड कर लीजिए कि कौन से चौरस्ते में आप खड़ा होना चाहते हैं, कहाँ पर खड़ा होना चाहते हैं, क्या सजा भोगना चाहते हैं। इस्तीफा दे ही दे तो वो भी अच्छा है, विपक्ष पार्टी जो आपके ऊपर आम आदमी पार्टी से अच्छी है, आपसे लाख गुना अच्छी है, जिससे आप बात नहीं करना चाहते, डिबेट में नहीं बैठना चाहते, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। कारण यह है कि आपके पास उसका जवाब जो है लिपापोती को छोड़कर और कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपने चूरन वाला नोट चलाया उसी तरीके से आप लोगों को चूना लगा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आप हिंदुत्व का मुद्दा लेके आगे बढ़े थे लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो कहाँ गायब हो गया, आपके जितने भी मुद्दे थे वो सारे के सारे गायब हो गए। आपको खुद को पता नहीं है कि आगे क्या बोलना है, क्योंकि आप हर बार हर पल हर सेकेंड जो है बात पलटी करते हैं। जो एक प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, एक गंभीरता होती है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं अमल करते हैं, लेकिन आपने तो वो सारी प्रधानमंत्री की जितनी गरिमा होती है वो सारी ख़त्म कर दी। लोग सुनते हैं तो आपकी बातों का मजाक लेते हैं। विदेशों के अंदर आपने क्या किया? जापान के अंदर आपने भारतवासियों के मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, पूरे भारतवासियों का जो गरीब भारत देश है उसके पूरी मजाक उड़ाया। आपने ये कहा कि कांग्रेस अपना रिजल्ट दे रही है, चलिए बहुत अच्छा है कि कांग्रेस अपना रिजल्ट दे रही है, कम से कम कांग्रेस ये बात तो बोल रही है कि 50% लोग जो है हमारे गरीब है, 60% लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, चलिए कम से कम कांग्रेस ने 50% तो गरीबी ख़त्म की, 50-60% तो लोगों को पढ़ाने की कोशिश किया। परंतु आपने क्या किया? 2 साल 8 महीना आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, 2 साल 8 महीना आपने कहाँ गरीबी खत्म की? 2 साल 8 महीना में कौन से आपने ऐसा कॉलेज स्कूल या ऐसा लोगों को पढ़ा दिया जिसके चलते लोग जो है बहुत विद्वान हो गए, इंग्लिश हिंदी अंग्रेजी और कई भाषाओं के विद्वान हो गए?
आपने क्या किया 2 साल 8 महीने में? 2 साल 8 महीना भी कम नहीं होता सत्ता में, क्योंकि 5 साल में आपका सुपड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि पंजाब में आपका सुपड़ा साफ है, यूपी में आपका सुपड़ा साफ है, ये अभी से ही आभास होगी आपको, क्योंकि आपने नोटबंदी जो भारत को जोर जबरदस्ती जानबूझकर थोप दी है। आम जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है, इसके विषय में आपने सोचा ही नहीं। आम जनता का जो है अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह बुरी तरह चरमरा गई है, आपको पता ही नहीं है, ना मालूम है, ना आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैदानी सभा में बोलने आप खाली बोलते हैं, सुनते नहीं है जनता की। ये बहुत बड़ी कमजोरी है प्रधानमंत्री की। एक वो प्रधानमंत्री थे जो सुनते थे, काम करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, मनमोहन सिंह जी। और एक आप प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं काम करते नहीं है, सुनते नहीं है, खाली अपनी जिद और अड़ और अकड़ में जनता के ऊपर अपना काला कानून थोप देते हैं। आप जनता की आवाज़ तो सुनिए, समझिए जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है, जनता से आपसे क्या अपेक्षा है, नहीं है। आपने सबको एक ही चक्की के अंदर घिस दिया सबको, अमीर और गरीब, कहाँ अमीर आदमी गरीब हो गया हमें बताइए, लेकिन गरीबों का तो आपने 12 बजा दी 1 बजा दी, मिडिल क्लास है उसको एकदम बद से बदतर बना दिया आपने, लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों के घर में अभी तक राशन लाने के पैसे नहीं है। और आप है कि जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं मोदी जी, कहीं तो आप प्रधानमंत्री तो स्टैंड रही है अपनी भाषा पर, अपने वादे पर, कहीं ना कहीं अब तो 50 दिन में आप कौन से चौरस्ता पे खड़े होने वाले हैं, हम लोग देखना चाहते हैं। आप अगर चौरस्ते पर खड़े नहीं होते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री आप अपनी भाषा पर, अपने जवान पर कहाँ कायम रहें? आदमी की भी एक जवान की वैल्यू होती है। हमारा कांग्रेस को आपने भ्रष्ट बोल दिया, चोर बोल दिया, 70 साल भ्रष्ट बोल दिया आपने पूरे भारत को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी 6 साल 6.5 साल सरकार रही, आपको अच्छी तरह पता है। आपने उसको भी चोर की कैटेगरी में, बेमानों की कैटेगरी में, भ्रष्टाचार की कैटेगरी में डाल दिया। आपने सब कुछ किया, परंतु आप 2 साल 8 महीने क्या किए, इसका जवाब दीजिए मोदी जी। 2 साल 8 महीना आपको हो गया, आपने क्या जवाब दिया? आपकी हर बातों का, हर शब्दों का मैं जवाब दे सकता हूँ, आपकी मन की बात, तन की बात, धन की बात और चाय की बात, चाय पर चर्चा, आपकी सब चर्चा पर बात कर सकते हैं मोदी जी, मगर आप सही जन से मिले तब ना। मैं हेमंत कुशावर।